खबर गरियाबंद जिले से है, जहां जिले की नई सीएमएचओ ने शनिवार को किडनी पीड़ितों के गांव सुबेबेड़ा का दौरा किया। इस दौरान नवागत सीएमएचओ ने सुबेबेड़ा के निर्माणाधीन अस्पताल भवन के निर्माण में हो रहे देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि नई पदस्थ सीएमएचओ गार्गी यदु ने पीड़ितों से रूबरू होते हुए पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहे प्रेम जय क्षेत्रपाल के घर जाकर उनका हाल जाना, साथ ही डायलिसिस के लिए जरूरी किट का पैकेट भी सौंपा। दौरे के बाद महिला अफसर ने सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के जल्द ही हायर अस्पताल के साथ अनुबंध करने की बात कही, ताकि पीड़ितों का बेहतर से ख्याल रखा जा सके। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। अगर हमारा एमओयू होता है, मल्टी स्पेशलिटी यूनिट है, जैसे हमारा डीकेएस है, एम्स है, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, तो अगर मॉर्बिडिटी कम होगी तो मोर्टिलिटी भी कम होगी, यानी अगर उनको प्रॉपर इलाज टाइम पे मिल जाएगा तो उनकी डेथ रेशियो कम हो जाएगा। हाँ, मैं अभी वो उनसे मांगी हूँ कि उनको कौन कौन सी दवाइयाँ लगती है, मैं उनको देखती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि क्या हम टेंडर कर सकते हैं उसका, कि क्या रूटीन है और कौन सी रूटीन है। वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उससे एक बार मिलकर पता करना पड़ेगा कि इनको रूटीन में कौन सी दवाइयाँ चला रहे हैं।